तमाम शहरवासियों को, देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अभी रहमतों का, बरकतों का महीना जिसको रमजान शरीफ कहा जाता है, उसमें बंदा अपने रब को खुश करने के लिए तमाम किस्म की इबादतें करता है, रोज़े रखता है। तो अल्लाह ताला ने उसके इनाम की शक्ल में ये ईद उल फितर का तोहफा हम मुसलमानों को दिया है। सब इसको मिलजुल के मनाएं और खुशगवार माहौल में मनाएं। एक महीने की इबादत के बाद आज ईद का मुकद्दस दिन आया है और देख रहे हैं आप कितनी खुशियों भरा ये त्यौहार है। एक दूसरे को सब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। यहाँ केसरगंज की ईदगाह पर सारे जाति के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और वही खुशी जो एक मुसलमान के दिल में है वही सारे मजहब के लोगों में है, और ये इंसानियत का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। आज हमने ईद उल फितर बड़ी धूमधाम से, जो एक महीने फ़र्ज रोजे रखे जाते हैं, पूरे 30 दिन के फ़र्ज रोजे रखे जाते हैं, जिसके अंदर शब कदर, अलविदा जुम्मा, उसके बाद चांद दिखने के बाद आज ईद उल फितर दो रकात पढ़ी जाती है, उसके बाद खुतबा होता है, उसके बाद दुआ करी जाती है। आज ईद का त्यौहार बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज ईदगाह के ऊपर आकर मुस्लिम समाज के सभी लोगों ने नमाज़ पढ़ी है, अदा करी है, और मैं शुक्रगुजार हूँ सभी धर्मों के लोगों का कि इन लोगों ने आकर यहाँ पर सभी मुस्लिम भाइयों को, एक जो अजमेर जो पवित्र नगरी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का भाईचारे का प्रतीक है, यहाँ पर इकट्ठे हुए मुबारकबाद दे रहे हैं, और यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था करवाने में, नमाज पढ़वाने में सभी धर्मों के लोग साथ दे रहे हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। अजमेर के सभी रहने वालों को मेरी ओर से ईद की ढेरों शुभकामनाएं। 30 दिन के रोज़े रखने के बाद, इबादत करने के बाद आज ये खुशी का मौका मिलता है, जिसे हम सब लोग सभी जाति धर्म को भूल कर एक साथ मनाते हैं। अपने घरों पर सेवैयाँ, शीर खुरमा बनाते हैं और लोगों को, अपने दोस्त यारों को बुलाकर उनको खिलाते हैं। ये एक बहुत ही खुशी का मौका होता है। इसके अंदर 30 दिन के रोज़े रखे जाते हैं और रोज़े रखने के बाद जो इबादत की जाती है, उस इबादत में अल्लाह से दुआ की जाती है कि हमारे मुल्क के अंदर अमन अमान रहे, हम सब मिलजुल कर इस देश के अंदर रहें। रमज़ान के मुबारक महीने के बाद जो एक महीने इबादत के बाद जो आज का दिन जो जश्न मनाया जाता है, वो सिर्फ रमज़ान के पूरे होने का नहीं, मगर एक साथ जो इबादत की गई है और देश के लिए, तरक्की के लिए, मोहब्बत की जो दुआ की गई है, आज ईद इसी तरह मनाई जा रही है। और ये पैगाम यही है कि आपसे प्यार मोहब्बत का जो एक संदेश है हमारे देश भारत से पूरी दुनिया में जाए। आज बहुत खुशी का दिन है, तमाम मुस्लिम समाज ने 30 दिन के रमज़ान की इबादत के बाद में आज ईद की नमाज अदा की है, एक दूसरे को गले लगा कर ईद की मुबारकबाद पेश की है, और मुल्क में हमारे अमन, चैन, खुशहाली कायम रहे, जिस तरह हमारे मुल्क का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो होता रहे, इसके हक में दुआ करता हूं।